जय श्री राधे कृष्ण सभी को। आप सभी का हमारे चैनल वृंदावन कुंज गली में स्वागत है। जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोरोना काल में कैसे मिले फाइनेंशियल सपोर्ट? जी हाँ, कोरोना काल जो हम सभी लोगों के लिए एक बहुत आत्मघाती समय बना हुआ है, जिसके रहते आजकल कोई भी परिवार, चाहे वो मध्यम परिवार कहें चाहे सक्षम परिवार कहें, कोई भी परिवार सही हालत में फाइनेंशियल रूप से नहीं है। अगर हम बात करें इस पूरे बीते कोरोना काल की, जो मार्च 2020 से शुरू हुआ और अभी तक इसका प्रकोप संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है, और अभी जो हाल फिलहाल के आंकड़े हमारे भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें देख और सोचकर मन बहुत घबराता है कि हम कैसे इस बीमारी से जीत पाएंगे और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सही कर पाएंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइजीन होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम बात करें कोरोना की बीमारी की, तो उसके लिए बात बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम लोगों से संपर्क में आएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों से अपने आप को बचाएं, मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ ज़रूर करें, दिन में 2 से 3-4 बार हाथ जरूर धोएं। किसी भी दुर्घटना से या किसी भी बीमारी से बचने के लिए सावधानी बहुत ज़रूरी है, वो जितना हमसे हो सके हम उसको कर पाएँ। जी हाँ, अब रही बात कोरोना काल में फाइनेंशियल सिचुएशन से संभलने की। हालांकि इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपनी सोच आप सभी के सामने रखी है, जिससे हम सभी परिवार जो इस विषम परिस्थिति में हैं, उनकी कुछ मदद हो सके। हो सकता है मेरी ये वीडियो किसी को ना पसंद आए, हो सकता है किसी का जीवन संभल जाए या बदल जाए, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बात रखने की आपके सामने प्रयास किया है। यदि कोरोना काल चलते आप फाइनेंशियल कम्प्लीटली वीक हो गए हैं और आपके पास पैसों का इंतज़ाम नहीं है और पैसों की किल्लत बहुत ज़्यादा आ गई है, तो इस विषम समय में आप अपने किसी भी नज़दीकी परिवार, दोस्तों या रिश्तेदारों से मदद अवश्य लें। अब बात ये भी आती है कि किसी ऐसी परिस्थिति में कोई रिश्तेदार आपका साथ क्यों देगा? जी हाँ, सही कहा आपने। लेकिन यदि आपको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप ईगोस्टिक नहीं हैं, और एक बार तो आप प्रयास करके देख ही सकते हैं अपने किसी नज़दीकी रिश्तेदार या दोस्तों से बोल के। जी हाँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा परिवार तो इसलिए भी समस्या में हैं कि वो कभी बोल नहीं पाते, और जिसके चलते हुए वो गहन परिस्थिति में आके कुछ गलत अपना एक स्टेप ले लेते हैं, चाहे वो शर्म की बात हो या फिर किसी में ईगोस्टिक की बात। इसलिए मेरी सोच यही है कि आप एक बार बात अवश्य करें। दूसरा, मेरी सोच यह भी है कि ज़िंदगी रही तो सब सही हो जाएगा, जो आज ख़राब है कल वो ठीक हो जाएगा, लेकिन आप अपनी फैमिली के लिए एक बार कोशिश जरूर कीजिए। अब बात आती है जो परिवार इस कोरोना जैसे विषम परिस्थिति में सही हैं। हालांकि बिजनेस और जॉब उनकी पर भी फर्क पड़ा होगा, लेकिन मेरा कहना उनके लिए है जिनका जीवन यापन अच्छे से हो रहा है और वो लोग इतने सक्षम हैं कि अपने किसी की मदद इस विषम कोरोना काल में कर सकते हैं, तो उनको अवश्य करनी चाहिए। हो सकता है आप द्वारा इस समय की गई मदद उनके जीवन में खुशहाली ला दे या उनके जीवन का रूप ही परिवर्तित कर दे। यदि हम एक से शुरुआत करेंगे तो ये संख्या बढ़कर हमारी हज़ारों में हो सकती है, और इस तरह हम कोरोना काल की फाइनेंशियल सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि ये वीडियो बनाते समय मेरे में विचारधारा आई कि बहुत से लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे, बहुत से पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मेरी यही गुजारिश है जो परिवार अच्छी तरह सक्षम है और कोरोना काल में सही तरीके से रह रहे हैं फाइनेंशियल रूप से, यदि उनके दूर रिश्तेदारी, आसपास दोस्तों या किसी भी रिश्तेदारी में कोई ऐसा शख्स या ऐसी फैमिली है जिसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल वीक होने की पड़ रहा है इस बीमारी के कारण, तो उनकी मदद अवश्य करें। और लास्ट में जरूर कहूँगा, प्लीज़ कीप डिस्टेंस फ्रॉम पीपल, यूज़ मास्क एंड सैनिटाइजर, वॉश एंड हैंड 3 to 4 टाइम्स इन ए डे। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय श्री राधे कृष्ण सभी को। जय श्री राधे कृष्ण सभी को। राधे राधे, राधे।